उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है क्रिस्पी फ्राइड पोटैटो टिक्का। क्रिस्पी फ्राइड पोटैटो टिक्का बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने ये आलू छील कर और क्यूब्स में काटे हुए हैं। ये हमने लेने आधा किलो आलू। हमारे पास यहाँ हैगा मैदा, ये हमने 1/4 कप लेना है। यहाँ हमारे पास दही है, ये भी हमने 1/4 कप लेनी है। यहाँ हमारे पास चावलों का आटा है, ये हमने आधा कप लेना है। तेल हमें फ्राई के लिए, और ये हमारे पास शाश्लिक स्टिक हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। मसालों में जो हमें चीज़ें चाहिए, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हमारे पास काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है, पिंच हमारे पास ये फूड कलर है, रेड फूड कलर, और हमारे पास ये 1/8 टीस्पून हैगा टार्टरी पाउडर। इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है, पानी हमारा बॉयल हो रहा है। यहाँ हमने ये आलू बॉयल करने हैं सिर्फ 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं हमने उबालने, बस हम अब आलू को निकाल लेंगे। छन्नी में हमने से इस तरीके से सारे आलू हमने निकाल लिए। अब हम एक बोल लेंगे, उसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सारे मसाले डालेंगे। मिर्चें, नमक आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकती हैं। दही डालेंगे, मैदा और चावलों का आटा। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे पहले, फिर उसके बाद हमने इसे पानी डालना है, एक बैटर बनाना है हमने इसका। ये बैटर हमारा इस तरीके से, हमें ये इतना बैटर ठीक चाहिए। अब हम जो ये आलू हैं इसमें डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे कोट करेंगे हाथों की मदद से। अच्छी तरीके से हमने आलूओं को बैटर में कोट करना है, और पैन में तेल डाल देते हैं ताकि ये भी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। फिर हम इसमें फ्राई करेंगे। ने एक एक आलू लेकर और इस तरीके से लगाने हैं ये आलू। ये देखें थोड़े से गल गए हैं, ज़्यादा पूरे नहीं गलेंगे वरना ये टूट जाएंगे। और इस तरीके से 2-2, 3-3 स्टिक पे हम ये लगाएंगे। इस तरह से लगा के और इस तरह से ये बैटर हमने इस तरह से इसके ऊपर कोट करना है, और ये एक तरफ हम प्लेट में रखते रहेंगे। ये देखें, बस इस तरीके से सारे मैं लगा लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमने स्टिक पे लगा ली हैं। जब हम फ्राई करने के लिए डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा बैटर हमने इसके ऊपर करके कोट करके फिर आराम से, ये देखें तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि अच्छी तरीके से चारों तरफ बैटर लग जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसको पलटेंगे दूसरी साइड से भी, बचा के आराम से अपने हाथों से इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको भी पलट देंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है, ये तैयार हो गए हैं। अब हम इसे बचा के निकालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चारों तरफ से अच्छी तरीके से, ये देखें ये हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम और डालेंगे इसमें, इसी तरीके से हम
आलूओं पे इस तरीके से बैटर लगाएंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटर हमने इतना ही पतला रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे, बिल्कुल सही है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये एक तरफ से हो गए, अब हम इसे पलट देंगे इस तरह, यहाँ से पलटेंगे। ये स्टिक भी हमारी तैयार हो गई, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये तैयार कर ली हैं। ये देखें कि मैंने यहाँ रखी हैं। अब मैं इसको के फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिश तैयार है, क्रिस्पी फ्राइड पोटैटो टिक्का। इस तरीके से आप बनाएं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने लिए बनाएं, आपके मेहमान आ जाते हैं, आप फटाफट, पोटैटो तो हर घर में होते हैंगे, आप निकालें और बनाएं, वो आप लोगों को पूछते रह जाएंगे कि आपने कैसे बनाएंगे। इतने मज़ेदार होते हैं, आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ, जिस मर्जी के साथ खाएं, आपको हर तरीके से अच्छे लगेंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी डिश को आप अपनी दोस्तों के साथ, बहनों के साथ और बेटियों के साथ ज़रूर शेयर करा करें। मेरे चैनल को लाइक करें और नीचे बने बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको पहले देखने को मिले। और जिन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब कर दिया है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने नहीं करा तो उनसे मैं आप कहती हूँ कि आप मेरे रेसिपी देखें और पसंद करें। अगर आप लोगों को कोई चीज़ पसंद आती है तब भी आप कमेंट्स करें, नहीं पसंद आती तब भी आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। शुक्रिया।